सुनो, जाते हुए बिहारी काका से कह देना मेरा खाना यहीं लगवा दें, ठीक है? शादी है किसकी? बट्टू के दोस्त की शादी है, उसकी दुल्हन मुझसे भी छोटी है। ये विवाह नहीं हो सकता, गलत है ये विवाह, मैं नहीं होने दूंगा ये बाल विवाह। फिर इस तरह बाबू एक बात पूछूं, एक प्रश्न आया है मन में। हाँ पूछो। वो जो सुबह बार बार कह रहे थे आप कि बच्चों की शादी गलत होती है, बस वही पूछना था, क्यों गलत है बच्चों की शादी? और अगर गलत है ये, तो फिर क्यों हो रही है बच्चों की शादी? देखो वंदिता, हर काम करने का ना एक सही वक्त होता है, एक सही उम्र होती है। ऐसा ही विवाह के साथ भी है, शादी करने का भी एक सही वक्त, एक सही उम्र होती है। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें खाने के लिए एक कच्चा फल दूं, तो क्या करोगी? खाओगी उसे? नहीं, उसे खाकर तो पेट खराब हो जाएगा। वाह, अच्छा एक और बात बताओ, अगर तुम्हारी माँ ने एक मिट्टी का बर्तन बनाया हो, पर मिट्टी गीली हो, सूखी ना हो, और वो तुम्हें उसे हाथ लगाने दें, तो क्या होगा? एकदम से टूट जाएगा बर्तन। जैसे माँ कभी पूरा सूखे बिना मिट्टी का बर्तन हाथ नहीं लगाने देती। बहुत बढ़िया। अच्छा बोंदिता, जब फूल खिल जाता है तभी उसे तोड़ते हैं ना हम? हाँ, माँ भी कहती है हमें कली नहीं तोड़नी चाहिए, बहुत छोटी होती है ना। ऐसे ही विवाह करने की भी एक सही उम्र होती है बोंदिता। बाल विवाह करना कली तोड़ने जैसा है, जिस कली को ना अपने हिस्से की धूप मिली है, ना हवा ना पानी। अब तुम ही बताओ, बिना फूल बने ही उसे तोड़ दें तो कैसा होगा? समय से पहले मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कभी खुशबू नहीं भी खेल पाएगा वो। हाँ तो क्या हमारी शादी भी गलत है पति बाबू? ये मेरी पत्नी है। शायद हाँ शायद ना। अभी नहीं बोलता, फिर कभी बताऊंगा, अभी ना सही समय है ना तुम उतनी बड़ी हो कि इस बात को समझ सको। पर अभी मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए उस चुनौती को जीतने के लिए। याद है ना बाबा की 6 दिन वाली चुनौती? साथ दोगी ना मेरा? जाओ बिहारी काका से कह देना खाने के लिए। तो क्या हमारी शादी भी गलत है पति बाबू? एक शाही पुलाव है मालिक। खुशबू इतनी बढ़िया है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे खाना कब दोगे भारी बाबू? अनिरुद्ध के भोजन करने के बाद। ये नहीं सिखाया माने कि पत्नी को पति के बाद भोजन करना चाहिए? बिहारी, दादा का खाना उनके स्टडी में रखवा दो, वही खाएंगे। जी मालिक। अब खाना खा सकती हूँ मैं? ये हमारे साथ तो बैठकर नहीं खाएगी ना काका, क्योंकि आपने कहा था ये अशुद्ध और अपवित्र है। नहीं, हमारे साथ नहीं, ये वहाँ नीचे जमीन पे बैठेगी। बहू, विलायती नकलचियों की तरह तुम्हें भी मेज कुर्सी पर बैठकर खाना है? नहीं ना, खाने का असली स्वाद और पाचन तो जमीन पर बैठकर खाने से ही होता है ना। और वैसे भी समस्या वाली बहू हो तुम वहाँ सबसे दूर कोने में बैठकर खाओगी। समस्या वाली बहू, अच्छा नाम है ये। बिहारी, खाइए ना मालिक, आपके इतने बड़े थे तो 40-50 ऐसी खा जाते थे। ये ठंडी है। बिहारी, जानते नहीं लड़कों को गर्म पूरी देनी चाहिए? ठंडी पूरी बहू को दे दो। लड़के और लड़कियों में ये भेद क्यों? पति बाबू ने तो कहा था दोनों बराबर हैं। क्या हुआ बहू? प्रश्न कौन रहे हैं दिमाग में? गलत लगा जो मैंने किया? मैं तो बस ये सोच रही थी काका ससुर कि कितना अच्छा होता अगर हवा और सूरज भी ठंडे गरम का भेद करते। पूरी की जगह हवा होती तो लड़कियों को हमेशा ठंडी हवा लगती और लड़कों को गरम।
तेज सूरज सर पे हो तो लड़कों को गर्म लगता और लड़कियों को ठंडा। किस पर रिसर्च कर रहे हो? बहुतेता की बीमारी पर? मैं भी तो देखू। मैंने कहा ना मिनी, जाओ। जानती नहीं कि तुम सब संभालोगे, पर क्या जागे रहोगे सारी रात? और अकेले क्यों जाना? मैं नहीं जग सकती तुम्हारे साथ। खुशी में तो तुम्हारा साथ दिया, तो क्या अब जिम्मेदारी में साथ नहीं दूंगी? जानता हूँ मिनी, पर लोग क्या कहेंगे इतनी देर रात तुम्हें यहाँ देख लिया तो? तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा कि लोग क्या कहेंगे? तुम्हें लोगों की परवाह है? बात मेरी होती तो कभी ना सोचता मिनी, पर यहाँ बात तुम्हारे सम्मान की है। मुझ पर पहाड़ भी टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता, पर तुम पर सवाल भी उठे ना मिनी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। किसी की उंगली तो क्या, बुरी नजर भी उठे ना मिनी तुम्हारे लिए तो देख नहीं पाऊंगा मैं। अगर मेरी इतनी ही चिंता होती तुम्हें तो अब तक हम शादी करके लंदन जा चुके होते, बजाय इस लड़की के पोथड़े धोने के अनुरोध। मेरा सम्मान ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मकसद? क्या ये सच नहीं कि तुम सिर्फ बॉन्डिता के लिए नहीं बल्कि हर वो औरत की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए ये सब कर रहे हो? मैं भी तो एक औरत हूँ ना, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं तुम्हारी मदद करूँ? मिनी वो जानती हूँ, गाना बंद हुआ मतलब बॉन्डिता को उठाकर बाथरूम नहीं जाना। मुझसे बेहतर कोई जानता है क्या तुम्हें और तुम्हारे जिद्दी तरीकों को? बॉन्डिता, बॉन्डिता उठो। अरे अनिरुद्ध ने मुझे उठाया नहीं। बॉन्डिता उठो। बॉन्डिता उठो, चलो चलो। तुम्हें नींद से नहीं उठाऊंगी अनिरुद्ध, क्योंकि तुम्हारे सोते रहने में ही तुम्हारी हार और मेरी जीत होगी। तुम्हारी नींद, चैन, सब कुछ खोकर जो तुमने ये चुनौती लिया ना, उसमें तुम्हें मैं हराऊंगी। बॉन्डिता को तुम्हारी जिंदगी से दूर जाना ही होगा, क्योंकि तुम सिर्फ सौदामिनी के हो अनिरुद्ध, सिर्फ सौदामिनी के। हमेशा से यही चाह कि मेरी हर सुबह तुम ही से, और ये जल्द ही होगा। इसकी ये तेज धारी काट के नाश कर देगी तुम्हारी बीमारी। ये अंधे बाबा का टोटका काम करेगा ना? बिल्कुल करेगा माली। अच्छू को बान है वो टोटका, बड़का बड़का भूत भाग गए वो टोटके के आगे। फिर बहुरानी क्या चीज है, मतलब बहुरानी की तो भी बच्ची है। ठीक है।
अरे जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो।